अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एज यू पीपल नो दैट वी आर स्टडिंग अबाउट एनवायरमेंटल एनालिसिस, एंड इन एनवायरमेंटल एनालिसिस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे वाटर एनालिसिस। एक्चुअली वाटर एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इन द पार्ट वन वी विल सी अबाउट द इंट्रोडक्शन, that which type of species can be present in water, and then analysis of water samples, and we will see the physical properties of water in the part one. This presentation is given by Mubarra Iqbal and it was good. So in case of water analysis, as I have already mentioned, we will first go through its introduction, then we will talk about analysis of water samples, and we will see physical properties of water, and in the next lecture we will go through these four parts. So a scientist's understanding of the environment can only be as good as his knowledge of identities and quantities of pollutants and other chemical species in water, air, soil and biological system. ठीक है, अब environment को अगर समझना है तो जाहिर है इसके लिए हमें कुछ ना कुछ experiment perform करना पड़ेगा, और जितना हमारा performance, हमारा experimentation और उसका result अच्छा होगा, उतना ही हम एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और इसके लिए हमें कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स और एनालिसिस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। अब असल में ये है कि साइंस में इतनी तरक्की हो चुकी है दैट दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ वेरी एक्साइटिंग पीरियड, बिकॉज वी हैव नाउ स्टेट ऑफ द आर्ट एनालिटिकल टेक्निक्स, और जिसकी मदद से हम न्यू और इम्प्रूव्ड एनालिटिकल टेक्निक्स को करैक्टराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उससे हमें क्या मदद मिल सकती है कि बहुत कम मिकदार में भी अगर कोई प्लूटेंट या एनालाइट सैंपल के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी हम डिटेक्शन कर सकते हैं। So because of the lower detection limit of some instruments, now it is possible to see quantities of pollutants that would have escaped detection previously, resulting in difficult questions regarding the setting of maximum allowable limit of various pollutants. अच्छा, तो पिछले लेक्चर में भी मैंने इस बात को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ ऐसे pollutants हैं जैसे क्रोमियम है, लेड के ऑक्साइड है या लेड इटसेल्फ, कि वो बहुत थोड़ी मिकदार में भी अगर प्रेजेंट हो वाटर के अंदर, फॉर एग्जांपल, दे कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल। अब खुशकिस्मती से हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो इन पोलूटेंट्स की कंसंट्रेशन को, वेदर इट इज पीपीएम और पीपीबी, इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट नाउ। और इस वजह से क्या है कि ये पॉसिबल हो चुका है कि हम अलोएबल लिमिट्स वेरियस पोलूटेंट्स जो हैं उसको दोबारा से करेक्टराइज कर सकें। द इंक्रीज्ड आउटपुट ऑफ डेटा फ्रॉम ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट हैज़ इन मेनी केसेस ओवरवेल्म्ड ह्यूमन कैपेसिटी टू अज़िमिलेट एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब एक्चुअली ना सिर्फ ये कि हम डिटेक्शन लिमिट को बहुत लोअर लेवल्स तक लेके जाने के काबिल हो चुके हैं, बल्कि हमारे पास चूँकि अब डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी भी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है, और उसकी वजह से क्या है कि इंक्रीज्ड अमाउंट में जो डेटा अवेलेबल हैं ह्यूमंस ना सिर्फ ये कि उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं बल्कि उसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। बट द चैलेंजिंग प्रॉब्लम स्टिल रिमेन इन डेवलपिंग एंड यूटिलाइजिंग टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिकल एनालिसिस। ठीक है, लेकिन चैलेंजिंग क्या है कि हमें स्टिल ये समझने की और प्रोटोकॉल डेवलप करने की ज़रूरत है
कि हम ऐसी टेक्निक्स डेवलप करें जिससे हम एनवायरमेंटल केमिकल एनालिसिस को समझ सकें. द क्वालिटी एंड चॉइस ऑफ एनालिसिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द नंबर ऑफ एनालिसिस परफॉर्म. सो दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो असल में क्या है कि नंबर ऑफ एनालिसिस परफॉर्म करने की बजाय ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि जो एनालिसिस हमने परफॉर्म किया है वो कितना ऑथेंटिक है. ठीक है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट हमें कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है. तो इसलिए बजाय इसके कि हम अंधाधुंध एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इम्पोर्टेंट इस बात की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जो हमने एनालिसिस परफॉर्म किया है उसकी क्वालिटी क्या है और क्या वो ठीक तरीके से परफॉर्म हुआ है. सो इंडीड अ परस्यूसिव आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड दैट गिवन मॉडर्न कैपेसिटीज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री टू मेनी एनालिसिस सैंपल्स आर परफॉर्म्ड एज प्योर मोर केयरफुली प्लान एनालिसिस वुड यील्ड मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये वही उसी बात की कॉन्टीन्यूटी है जो मैंने पिछली स्लाइड पर डिस्कस की कि बजाय इसके हम अंधाधुंध एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें, इसकी बजाय हमें उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अगर हम प्लांट एनालिसिस करें, बेशक वो थोड़े ही क्यों ना हों. एनवायरमेंटल केमिकल एनालिसिस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सेवरल ओवरलैपिंग कैटेगरीज. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. जो एनवायरमेंटल केमिकल एनालिसिस है उसमें अगर हम एनालिसिस ऑफ वाटर की बात करें तो इसमें वेस्ट वाटर का एनालिसिस आ सकता है, एनालिसिस ऑफ वेस्ट एंड सॉलिड्स, एयर एंड गैस एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल एंड सीनोबायोटिक सब्सटेंसेस. सो वी आर मेनली कंसर्न्ड इन दीज लेक्चर्स, इन दीज टू लेक्चर्स, इन द एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. द कॉमनली डिटर्मिंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दीज आर कलर, रेजिड्यू, ऑर्डर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड टर्बिडिटी. ठीक है, तो एक्चुअली जाहिर है वाटर की इन्हीं करेक्टरिस्टिक की बेस पे हम डिटर्मिन करेंगे कि वाटर कितना शफाफ है, क्लीन प्योर है, या फिर वो कितना प्लूटेड है. ठीक है, जैसे कलर से तो हमें फौरन पता चल जाता है इसलिए वाटर में कितने डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं. ठीक है, उसका ऑर्डर कैसा है, टेम्परेचर क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और टर्बिडिटी, वाटर में सस्पेंडेड मटेरियल कितना शामिल है. ऑल दीज फैक्टर्स विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स वी कैन डिटरमिन दैट हाउ प्योर वाटर सैंपल इज. ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ईदर इन्फ्लुएंस और रिफ्लेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ वाटर. सॉलिड्स फॉर एग्जाम्पल अराइज फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज, ईदर सब्सटेंसेज और डिजॉल्व इन वाटर. सॉलिड्स आर क्लासिफाइड फिजिकली एज टोटल फिल्टरेबल, नॉन फिल्टरेबल और वॉलाटाइल. राइट, तो सॉलिड्स जो हैं जैसा कि मैंने कहा सस्पेंडेड हो सकते हैं या डिजॉल्व, और जो डिजॉल्व हैं ईदर दीज आर फिल्टरेबल, नॉन फिल्टरेबल या फिर वो वॉलाटाइल हो सकते हैं. राइट, तो व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ डिग्री टू विच वाटर कंडक्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट एंड रिफ्लेक्ट देयर फॉर द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व आयनिक मटेरियल. ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर को अगर हम एनालाइज करें तो उसकी वैल्यू हमें दे देगी कि कितने डिजॉल्व्ड आयनिक मटेरियल वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं. सो दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज. इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आपने इसको याद करना है. सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो इनटू डिटेल ऑफ वेरियस टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ वाटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. अल्लाह हाफिज़.